देखो स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं, व्हेन देयर आर सर्टेन स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, कुछ स्पेशल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से एंड देयर एग्जिस्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द प्रोमिसर, द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस एंटाइटल द प्रोमिसी। पहले ये बताओ प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होता है? बताओ प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होता है? मीन प्रॉमिसर मतलब वो जो ऑफर देता है, ऑफरर तो ऑफरर, और प्रोमिसी मींस एक्सेप्ट करता है। ऑफरी, है ना? याद नहीं है तो लिख लो, प्रोमिसर मींस जो ऑफर करेगा, ऑफरर, और प्रोमिसी कौन है जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस। क्लियर है ऑफरर और ऑफरी की मीनिंग? यस मैम। नेक्स्ट देखो, देखो जब कुछ स्पेशल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट है और वो किसको कम्युनिकेट किया गया है, प्रॉमिसर को, द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंटाइटल द प्रोमिसी, तो प्रोमिसी क्या करेगा, उसके लिए सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज नहीं लेगा बट उसके लिए वो स्पेशल डैमेज भी लेगा। सपोज जैसे एग्जाम्पल दिया है, ए हु इज अ बिल्डर एग्रीज टू इरेक्ट अ फिनिश हाउस बाय 1 जन इन ऑर्डर दैट बी मे गिव पोजिशन ऑफ इट एट द टाइम टू सी। ए बिल्डर है, वो घर बना रहा है, वो कहता है बी को कि मैं आपको 1 जनवरी तक घर बना के कंप्लीट करके सब खाली करके आपको हैंडओवर करूंगा, ताकि बी वो किसको दे सके, सी को दे सके। सी पे वो क्यों दे रहा है, बी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेट इट, उसको किराए पे देने के लिए। और ए को पता था कि बी और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और ए को अपना काम बाय 1 जनवरी तक कंप्लीट करना है ताकि वो बी को हैंडओवर कर सके घर, और बी फिर किसको लेट आउट कर सके, सी को। सिचुएशन समझ में आ रही है कि कुछ कंफ्यूजन है? हमारा संबंध नेक्स्ट देखो, ए बिल्ड्स द हाउस सो बैडली दैट इट फॉल्स डाउन बिफोर 1 जन एंड हैज टू बी रीबिल्ड बाय बी। ए ने घर तो ऐसा बनाया कि वो 1 जनवरी के पहले ही टूट के मर के गिर गया। देखो फिर बी को फिर से क्या करना पड़ा, रीबिल्ड। तो ऐसे केसेस में सिर्फ ऑर्डिनरी कॉम्पनसेशन मिलता है कि थोड़ा ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलता है, बताओ? ज्यादा मिलता है ना कॉम्पनसेशन ऐसे केसेस में। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस बी को क्या हुआ, रेंट का लॉस हुआ जो उसको सी से मिलने वाला था, प्लस इज ऑब्लाइज टू मेक कॉम्पनसेशन टू सी। ठीक, तो ए को अब बी को भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा और सी को भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। दस ए मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू बी फॉर द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस एंड फॉर द रेंट लॉस्ट एंड द कॉम्पनसेशन मेड टू सी। तो ये होता है स्पेशल डैमेजेस। किसी को डाउट है स्पेशल डैमेज में तो पूछो। जल्दी पूछो, कोई डाउट है तो। मैं एज्यूम करूं कि सब सही, सब समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, क्या यस बोल रहे हो? देखा, दे आर नॉट प्रपोर्शनेट टू द एक्चुअल पैक्यूनरी लॉस सस्टेन बाय द एग्रीव पार्टी बट आर इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ पनिशमेंट। देखो इसमें ना कोई अमाउंट नहीं मिलता है बट हाँ एक तरीके का इसमें हम ये बोल सकते हैं डैमेज जैसे रहता है। तो कैसे रहेगा इसमें डैमेज, देखो पनिशमेंट का इसमें देखो क्या लिखा है। सपोज इसमें ये वाला जो है एग्जेम्पलरी या पनिशमेंट या विंडिक्टिव, इसके लिए सिर्फ दो ही सिचुएशन लॉ में दी गई है। दिस आर नॉर्मली अवॉर्डेड इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, सामने वाले से शादी का क्या प्रॉमिस करके। तो इसमें देखो क्या लिखा है, द मेजर ऑफ डैमेज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी इज डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द शॉक टू द सेंटिमेंट्स एंड द गुडविल ऑफ द प्रॉमिस। तो इसमें जो डैमेज है वो कैसे किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है द सिवियरिटी ऑफ द शॉक, सामने वाले को कितना बड़ा झटका लगा है
उसके सेंटिमेंट्स को, ठीक, और कितना गुडविल था उसका। तो वो कोर्ट डिसाइड करती है ऐसे केसेस में कि सामने वाले को कितना शौक है या उसके सेंटिमेंट्स कितने अटुए हैं। दूसरा, अगर चेक डिसऑनर होता है तो रूल क्या होता है, जितना कम अमाउंट था चेक का और उतना ही ज्यादा पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है जब इतना नॉमिनल और मिनिमम अमाउंट था तब आपने चेक बाउंस क्यों करवाया। ठीक, तो ये था पनिशमेंट वाला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इसमें डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट व्हेन अ पार्टी हैज सफर्ड फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड इनकन्वीनियंस एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कहीं पे फिजिकल डिस्कम्फर्ट आ रहा है, यहाँ पे इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो ऐसे में भी हम क्लेम कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कॉम्पनसेशन का। जनरल रूल क्या बोलता है ऐसे सिचुएशन में, द मोटिव और द मैनर ऑफ ब्रीच डू नॉट अफेक्ट द मेजर ऑफ द डैमेज। जो मोटिव था या मैनर था तोड़ने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम डैमेज कैसे ले रहे हैं। सपोज देखो, इसमें एच विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन टुक अ टिकट फॉर मिडनाइट ट्रेन टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर ही लिव्ड, ट्रांसपोर्टेड टू अ रॉन्ग प्लेस एंड दे हैड टू वॉक सेवरल माइल्स। ही एच वाज अवॉर्डेड कंपनसेशन फॉर इनकन्वीनियंस बट नथिंग फॉर द मेडिकल एक्सपेंस ऑफ हिज वाइफ हु कॉट कोल्ड एज द कंसिक्वेंसेस वॉज टू रिमोट। इस एग्जाम्पल में समझ में आया इसमें क्या लिखा है? जिस तरीके का आपको हार्म होता है, तो जरूरी नहीं है कि इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फर्ट में आपको वैसा ही कॉम्पनसेशन मिले। आप ऐसे नहीं बोल सकते जिसकी गलती की वजह से आपको ट्रांसपोर्टेशन उसमें पहुंचने में लेट हुई थी। या फिर देखो, उसमें लिखा है कि हमको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट मिलेगा अगर उसकी वाइफ को कोल्ड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वहां से आने जाने का डिस्टेंस का उसमें चार्जेस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखो, जैसे रेलवे का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, कभी कभी रेलवे ट्रेन लेट हो जाती है ना, तो क्या होता है उसमें, अगर जनरल रूल कोविड के पहले क्या होता था कि अगर ट्रेन लेट है 2 मिनट भी या 5 मिनट भी लेट है, ठीक, तो आप टिकट कैंसिल करवा के पूरा अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, या अगर 4 घंटे से ज्यादा लेट है तो उसी समय पैसा रिटर्न हो जाता है ट्रेन। ठीक है, तो उसमें लेकिन हमको क्या होता है, हम जो ट्रेवल करके रेलवे स्टेशन तक आते हैं, फिर हम वहां से जाते हैं, या फिर अब हम फिर दूसरी चीज जब बुक करते हैं, कौन सी बुक करते हैं, सपोज हमको इमरजेंसी थी ट्रेन से जाना था, नहीं मिल पाई ट्रेन, हम अब प्लेन की टिकट ले रहे हैं और हम जा रहे हैं, तो फिर हमको वो प्लेन व्लेन का एक्सपेंस नहीं मिलेगा, हमको सिर्फ वो जो ट्रेन की टिकट कैंसिल की थी उसका ही एक्सपेंस मिलता है। तो वो होता है डैमेज फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट। तो आप इसमें स्पेशल डैमेज नहीं ले सकते। आ रहा है समझ में? यस यस मैम। कोई डाउट है इसमें, इस एग्जाम्पल में? आप लोग इसमें ना ट्रेन की टिकट वाला डाल देना है, और उसमें मेंशन करना कि अगर वो बाय प्लेन से जा रहा है तो भी रेलवे वाले उसको प्लेन की टिकट का डैमेज का भी नहीं देंगे, सिर्फ रेलवे की टिकट का ही पैसे देंगे। नेक्स्ट देखो, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनाल्टी। समटाइम्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन द असेसमेंट एंड पेमेंट ऑफ डैमेज एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली एग्री टू स्टिपुलेट और स्पेसिफाई सम विच विल बिकम पेबल बाय द पार्टी गिल्टी ऑफ ब्रीच। समझ में आया कि बाउंस हो गया ऊपर से? बताओ। आया समझ में कि नहीं? देखो, जब अपन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैम मैंने कहा फिर से बताइए ये वाला। मैंने बताया ही कहाँ था, मैंने तो रीड किया था स्टेटमेंट। देखो, जब अपन कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं ना, तो पार्टीज ना बहुत होशियार होती हैं पहले से, तो उसमें क्या लिखा है, जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द डैमेज। वो लोग पहले से ही डैमेज का एस्टिमेट लगा लेते हैं कि अगर मैंने ये गलत किया या तुमने ये गलत किया तो हम इतना कॉम्पनसेट पे करेंगे एक दूसरे को। तो जो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है पहले से ही, वो उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। देखो, अवॉइड करते हैं जो लोग कि पेमेंट ऑफ डैमेजेस कैसे होगा, कोर्ट में जाएंगे, केस होगा, तो उनको पता है कि जब फॉर्मेट, जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो लोग ऑलरेडी क्या करते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुम मुझे इतना दे देना तो मैं फिर मान जाऊंगा। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, उसी टाइम पे ये लोग म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं और एक सम डिसाइड कर देते हैं कि
वो पार्टी पे करेगी जो गिल्टी ऑफ ब्रीच होगी। आ रहा है समझ में? तो वो जो सम ये लोग डिसाइड करते हैं वो एकदम फेयर और जेनविन रहता है। प्री एस्टिमेट ऑफ द डैमेज लाइकली टू रिजल्ट ड्यू टू ब्रीच, देन इट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। आ रहा है समझ में? यस मैम। कोई डाउट है किसी को नो भी? मैम। अनुराग डाउट है बेटा? आस्था, नम्रता डाउट है कहीं पे? है तो पूछ लो जल्दी से। नहीं है? एज्यूम करूं मैं? डाउट नहीं है? मैम फर्स्ट वाला डाउट है। मुझे तकलीफ हो रही है। फर्स्ट कौन सा वाला? फर्स्ट ये वाला। देखो यस मैम। ये लाइंस फर्स्ट की, ये पूरा पैराग्राफ फर्स्ट। मैम वो स्टिप्यूलेट वाली लाइन में। स्टिप्यूलेटेड कहाँ लिखा है? ये वाला, ये देखो। इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन द असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है पता है किसी को? पता है असेसमेंट का मतलब? हर्ष पता है असेसमेंट का मतलब? रवि देखो, जब अपन कैलकुलेट करते हैं चीजों को एट द एंड, तो ये जो चीज, जो असेसमेंट, असेसमेंट मीन्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले, कि डिले नहीं हो, उस डिले को अवॉइड करने के लिए, किसमें? असेसमेंट की पूरा वो लेखा जोखा बनाते हैं, इसमें ये मिस्टेक हुआ, इसमें ये मिस्टेक हुआ, इसका इतना पेनाल्टी, उसका ये डिमेंट, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन द असेसमेंट, उसको कैलकुलेशन करने में और पेमेंट करवाने में, क्योंकि फिर कोर्ट में जाएंगे, केस चलेगा, तो वो 1-1.5 साल का टाइम लग जाता है। तो उससे बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के टाइम पे पार्टीज क्या करती हैं? म्यूचुअली एग्री करती हैं टू स्टिपुलेट और स्पेसिफाई सम। मतलब स्टिपुलेट मींस एक अमाउंट डिसाइड कर लेती हैं। स्पेसिफाई सम का मतलब सम मींस यहाँ पे अमाउंट से। अब आया समझ में? यस मैम। क्या? इफ द सम फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिसप्रोपोर्शनेट टू द डैमेज लाइकली टू ऑकर। देखो कभी कभी क्या होता है, डैमेज इतना बड़ा हो गया है कि जो हमने अमाउंट डिसाइड किया था वो भी पूरा नहीं होगा, तो डिसप्रोपोर्शनेट है। तो ऐसी चीजों में उसके बाद जो सम डिसाइड होता है वो पेनाल्टी होती है, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? पेनाल्टी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो। हाँ, लिक्विडेटेड डैमेजेस आर एनफोर्सिएबल, ये सपोर्टेड बाय लॉ होते हैं, बट पेनाल्टी कैन नॉट बी क्लेम्ड। पेनाल्टी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा बाय लॉ, क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड करके रखा था। नेक्स्ट देखो, स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट। अ स्टिपुलेशन, ये भी डैमेज में, एक सेकेंड। स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट को डैमेज में डालेंगे शायद, एक मिनट। स्टिपुलेशन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज नॉट इन द नेचर ऑफ पेनाल्टी इफ द इंटरेस्ट इज रीजनेबल। देखो कभी कभी क्या होता है, जो डेब्ट वगैरह होता है तो उसमें हम इंटरेस्ट देते हैं या ब्याज, तो अगर वो पेनाल्टी के नेचर का नहीं है, जैसे होता है ना कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जोड़ते जा रहे हैं, तो ये अगर वो पेनाल्टी की नेचर का नहीं है और रीजनेबल है तो उसके लिए भी अमाउंट मिल सकता है। इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्जॉर्बिटेंट एंड इज पेनाल्टी इन कैरेक्टर, तो वो उसमें कुछ रिलीफ प्रोवाइड करवाती है। अ स्टिपुलेशन इन अ बॉन्ड फॉर पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट रखना, ठीक है? ऑन फेलियर टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट एज वॉज पेबल अपॉन द प्रिंसिपल इज नॉट अ पेनाल्टी। अगर आपने कोई बॉन्ड साइन किया जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को आप पे नहीं कर पा रहे हैं, क्यों लग रहा है? क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट पे लग रहा है, तो लेकिन वो पेनाल्टी नहीं है वो तो। ये सब ना बैंक्स वगैरह में होता है, जब अपन लोन वगैरह लेते हैं ना और हम उसका इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते हैं, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेते जाती है बैंक, क्योंकि बैंक का भी लॉस होता है, तो वो चीज़ पेनाल्टी में नहीं आएगी। ये आपके काम का नहीं, आपको एग्जाम में बस ये 2 पॉइंट लिखना है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है आप लोग को एग्जाम में, बस एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक? नेक्स्ट देखो।
ये देखो ये उसके कुछ कंडीशंस हैं, नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, बस ज्यादा सब उसमें डीप में मत जाना, जितना बोल रही हूँ बस उतना ही। नेक्स्ट देखो इसमें, अब है शूट फॉर, एक सेकेंड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा हाँ ये वाला देखो, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है इसको डैमेज में नहीं लेके इसको उसमें ले रहा है, किसमें ले रहा है, रेमेडीज में। देखो ये वाला जो है ना सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसको डैमेजेस में नहीं डाल के इसको रेमेडीज में लेना, ठीक है। ये तो अपन किसका कर रहे थे, सेकेंड पॉइंट जो सूट फॉर डैमेजेस हम कर रहे थे, ये उसके पॉइंट थे, कुछ याद आ रहा है। ये देखो ये जो हम पॉइंट्स कर रहे थे ये हम डैमेजेस के पॉइंट कर रहे थे, सूट फॉर डैमेजेस। तो इंटरेस्ट वाला इसको इंटरेस्ट तक रहने देना, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करवाती हूँ इसमें, नोट करते जाना पॉइंट्स है ना जो ऐड नहीं है इसमें उसको ऐड करो। इसमें लिखो द रिमोट डैमेजेस, रिमोट क्या होता है, टीवी का रिमोट नहीं बोलना ना, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, द रिमोट डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, यस मैम। ठीक है। तो अब डैमेजेस में कुछ और ऐड करना है, पहला क्या बताई मैं, द रिमोट डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल, रिमोट डैमेजेस क्या होंगे बताओ। रिमोट की मीनिंग बताओ ना बेटा, रिमोट मीन्स क्या। अरे लोगों को रिमोट की मीनिंग नहीं पता है ना। आस्था, आयुषी, मैम रिमोट एरिया वाला रिमोट, हाँ रिमोट एरिया मीन्स क्या होता है, मैम जो थोड़ा शहर से दूर होता है। दूर होता है, ठीक है। जो हम टीवी में रिमोट यूज करते हैं उसका मीन्स क्या होता है, मतलब क्या है वो, रिमोट क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि हम उसमें लेजी है ना, बैठे बैठे उसको रिमोट से उसको कमांड देते हैं अपने हाथ से, है कि नहीं, लेजी एक तरीके से, ठीक है। तो रिमोट एरिया यानी रिमोट डैमेजेस मीन्स क्या होगा, यहाँ पे सपोज कोई पेनाल्टी या कोई केस है 4 जनवरी 2018 का, आप उसके लिए आज जाग रहे हो और केस फाइल कर रहे हो आज 2021 में, कितना साल पुराना गैप हो गया, मंथ्स और इयर्स का गैप हो गया कि नहीं हो गया। तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है जिसमें आपको ये केस फाइल वगैरह करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं रिमोट डैमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ऐसे डैमेजेस रिकवरेबल नहीं होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, द डैमेज फॉर मेंटल पेन एंड सफरिंग्स, क्या होता है मेंटल पेन एंड सफरिंग, ये एक बताई थी ना अभी, विंडिक्टिव वाला एक, प्यूनिटिव नेचर वाला, मैरिज वाला, कि सामने वाले को मैरिज का प्रॉमिस करके उससे शादी तोड़ देना, तो उसका जो डिसाइड कैसे होता है वो, कि सामने वाले को किस हद तक उसमें शौक लगा है और वो उसमें कितना उसने सफर किया है, याद आ रहा है कुछ कुछ।
नेक्स्ट देखो, ये स्टिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बताया था मैंने अभी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसमें ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ये नेक्स्ट, ये ब्रीच में जाएगा, थर्ड टाइप ऑफ ब्रीच। ये फर्स्ट हमने किया था ब्रीच में, क्या किया था, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, RESCISSION, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट किया था। सेकेंड हमने किया सूट फॉर डैमेजेस, उसके पॉइंट स्टडी किए हमने अभी। ये थर्ड है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये समझ में आया, 3 पॉइंट यहां तक? यस मैम। तो थर्ड देखो क्या है, इन सर्टेन केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस मे नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडिक्वेट रेमेडी, द एग्रीव्ड पार्टी मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करती है, टू कैरी आउट द प्रॉमिस, आपको अपना